दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो रही है। ये बैठक संसद भवन परिसर में चल रही है। तीन राज्यों में प्रचंड जीत पर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी पीएम मोदी का सम्मान किया है। बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद मौजूद हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को संबोधित भी करेंगे, तो पीएम मोदी का सम्मान किया गया है। तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। और जिस तरीके से चाहे हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे चुनाव लड़ा गया, मोदी के नाम पर लड़ा गया और जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, ये सांसद कहते रहे। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पीएम मोदी का सम्मान किया गया। और ये चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, उन्होंने कहा कि लोगों को, देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है, उनका ही जादू है, उनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और जीत मिली है। एक ऐसी जीत जिसने 2024 की रूपरेखा तैयार कर ली है, एक ऐसी जीत जिसने 2024 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए काम किया है। ऐसे में पीएम मोदी का सम्मान किया गया, मोदी की गारंटी पर विश्वास है, ये नारे गूंजे गए। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 दिसंबर को देखिए, जब पीएम मोदी पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर में, कैसे सम्मान हुआ था ये आपने देखा। नतीजों का दिन था 7 दिसंबर, यानी कि आज का दिन बीजेपी संसदीय दल में पीएम मोदी का सम्मान किया गया। और उसके बाद संसद भवन में 4 दिसंबर को सम्मान हुआ था, जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। तो पीएम मोदी का सम्मान किया गया और देश को पीएम मोदी पर भरोसा है, ये सांसद कहते रहते हैं, बीजेपी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता। मेरे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है, हम उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे पीएम मोदी का सम्मान किया गया है और कुछ देर में पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग शुरू हो गई और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पहुंचे तो तमाम जो सांसद और केंद्रीय नेतृत्व था, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया और काफ़ी देर तक तालियां बजती रही सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में, क्योंकि सम्मान इस वजह से भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि तीन जो राज्य थे महत्वपूर्ण राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उनमें से 2 राज्यों में तो जो सर्वे आ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि इसमें बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी। और बीजेपी ने एक बड़ा त्रुप का पत्ता जो कहते हैं वो चला, चाल चली कि कोई भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री फेस नहीं दिया, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वहां पर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर वहां के लोगों ने भरोसा किया और प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीत हुई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया क्योंकि इन तीनों राज्यों में जो जीत हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बदौलत हुई है। और यही कारण है कि आज जो सेशन की जो पहली पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, जैसे ही उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एंटर किया, तमाम सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, तालियां काफी देर तक वो बजाते रहे और साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते ही इन राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा और किस तरह से संसद के एजेंडे पर काम करना और किस तरह से आगामी लोकसभा चुनावों में काम करना है, ये प्रधानमंत्री आज वहां पर जीत का मंत्र बिल्कुल देंगे। संबोधन का यतेंद्र सभी को इंतजार है। और चाहे नतीजों के बाद हम बात करें विपक्षी नेताओं की, खासकर हम कांग्रेस की बात करें, दबी जुबान में ही सही ये बात कही कि मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं। और फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पीएम मोदी का सम्मान हुआ है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, आज की सबसे अहम तस्वीर है। मोदी गारंटी के नारे लगे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने जब जीत हुई थी उसके बाद जब बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मोदी गारंटी पर लोगों को विश्वास है, वो जनता के लिए काम करते रहेंगे और कुछ देर में उनका संबोधन होना है। मौजूद है यतेंद्र, हम तालियों की गड़गड़ाहट सुन रही थी, ये तालियों की गूंज सिर्फ संसद भवन में ही नहीं पूरे देश में सुनाई दे रही है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से इन तीन राज्यों में जीत हुई है वो तालियों की गड़गड़ाहट जो आज पार्लियामेंट्री जो लाइब्रेरी बिल्डिंग में जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है उससे निकलकर पूरे देश में जरूर सुनाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आज जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनावों में भी यही गड़गड़ाहट सुनाई दे और जो भी सांसद हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्रों में लग जाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो अंतिम वर्ग तक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की जो नीतियाँ वो पहुँचनी चाहिए और उसका फायदा जरूर मिलता है। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिला कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी कि उनकी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, हर वंचित वर्ग का वो ध्यान रखेंगे, जो चार जातियां उन्होंने बताई, किसान, गरीब, युवा, महिला, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और उनके लिए यही जातियां हैं और देश में इसी आधार पर काम करना है। और ये आज वो अपने जो सांसद हैं बीजेपी के, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, उन सबको इस बात की सीख देंगे और कहेंगे पार्लियामेंट सेशन के बाद तुरंत अपने क्षेत्र में जुट जाने का निर्देश भी आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया जाएगा। अभी कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, क्योंकि भव्य स्वागत उनका आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में हुआ है और ये जो तीन राज्यों में जो जीत है उसकी एक उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की जो पटकथा है वो लिखी गई है और साफ तौर पर 2024 के चुनाव की पटकथा लिखी गई है। यतीन, एक बार फिर से वो हम तस्वीरें दिखाएंगे और यतीन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बगल में देखिए किस तरीके से ये तालियां बजाई जा रही है। दरअसल तालियां पीएम मोदी के लिए है, उनके सम्मान के लिए है, उनके परिश्रम के लिए है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और यतीन जो हम जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि 2024 की पटकथा लिख दी गई है, बड़ी बात यह है कि तीनों राज्यों में सिर्फ मोदी ही चेहरा थे। तो ये तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, नारे आप सुन रहे हैं, एक सुर में सभी सांसद कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी पर विश्वास है और ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि यतेंद्र जब नतीजे आए थे तो हमने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां भी देखी और उसमें भी ये कहा गया कि मोदी की जीत ने 2024 के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है और मोदी चेहरा थे, कोई भी चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का, इन राज्यों में सिर्फ मोदी चेहरा थे और जीत बड़ी है तो सम्मान भी बड़ा है। देखिए बिल्कुल बीजेपी की रणनीति यही थी कि किसी भी तरह से इन चुनावों में पार्टी की जीत दिलानी है और क्योंकि बार बार अपोजिशन की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो ऐसे में ये राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो पांच राज्यों के चुनाव थे, खासकर हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उनमें बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार थी और छत्तीसगढ़ में पहले एक लंबे समय तक सरकार रही थी, लेकिन इसके बावजूद पिछले चुनावों में उनकी हार मिली, तो ऐसे में ये राज्य को जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण था और बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति चेंज यहाँ पर की, कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन चुनावों में उतरे। एक बड़ा दाव खेला था बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत और अपने बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था और वो रणनीति ही यही रही, मोदी की गारंटी का ही ये नतीजा निकला कि बड़े अंतर से इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई और उसका सीधा क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को, क्योंकि उनकी गारंटी पर वहां की जनता ने भरोसा किया और उस भरोसे के आधार पर ही खूब जो किसी भी वर्ग के बात करें, एरिए की बात करें, वहां पर बीजेपी की झोली में, बीजेपी कैंडिडेट की झोली में वो वोट गिरे और एक शानदार जीत के तौर पर नतीजा सामने आया। और आज अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के विपक्षी पार्टियों की, उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे बीजेपी विजय पथ पर आगे बढ़ती जा रही है, कैसे एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है और चेहरा सिर्फ एक ही है, वो चेहरा जो आगे बढ़ रहा है और प्रचंड जीत पार्टी को दिला रहा है। ये तस्वीरें संसद भवन की है जब पीएम मोदी का सम्मान किया गया, पहली तस्वीर 3 दिसंबर की है जब नतीजों का दिन था, तमाम एग्जिट पोल्स जो कांग्रेस की जीत छत्तीसगढ़ में बता रहे थे उनको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, एक तरीके से एक तरफा जीत दर्ज की। और ये दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है, संसदीय दल में किस तरीके से पीएम मोदी का सम्मान किया गया, जो तालियां उनके लिए बजी ये तालियां पीएम मोदी के सम्मान में थी, उनके अथाह
परिश्रम के लिए थी, उनके चेहरे के लिए थी, उनकी योजनाओं के लिए थी, उनकी गारंटी के लिए थी। और ये 4 दिसंबर की तस्वीर, जब शीतकालीन सत्र शुरू होता है, संसद भवन में वो पहुंचते हैं और तब भी उनका सम्मान होता है। तो ये जो जीत का सिलसिला है वो आगे चलता ही जा रहा है। यतेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, कितनी देर में पीएम मोदी का संबोधन होगा, क्योंकि उनके संबोधन का इंतजार सभी को है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। वो अपने सांसदों को, जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। और जो अंदर से खबर यही आ रही है कि जो जीत का मंत्र है 2024 के लिए, और जो पिछले इन हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में जो शानदार जीत हुई है उस पर वो बोल रहे हैं। और उम्मीद है कि वो जो गठबंधन है विपक्षी दलों का उस पर भी बोलेंगे, क्योंकि बार बार की कोशिश के बावजूद भी आज तक विपक्षी गठबंधन नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई भी चेहरा, यानी उनका कोई भी तोड़ नहीं ढूंढ पाया। और उसका बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो भरोसे की भी गारंटी बन चुका है। क्योंकि भरोसा इस वजह से, क्योंकि वो जो कहते हैं, जो वो योजनाओं को लेकर आते हैं, उस पर अमली जामा पहनाने का काम भी निचले स्तर तक किया जाता है, चिंता वो करते हैं। और जो गठबंधन है विपक्षी दलों का गठबंधन, वो अभी तक एक चेहरा नहीं ढूंढ पाया है। हर जो भी उनके सहयोगी दल है, हर किसी के दल के नेता उसको चारों खाने चित कर दिया और बैठक में तो नेताओं ने दूरी बना दी है। तो ये कह सकते हैं कि ये नीति जो बीजेपी की है, तमाम विपक्षी पार्टियों को इससे सीखना चाहिए।